हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इमो का फ्यूचर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना या नहीं करना आपके मर्जी है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इमो में जाना है। इमो में जाने के बाद यहाँ पर 3 डॉट जो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर अकाउंट सेटिंग है, इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। और इससे पहले क्या है, नोटिफिकेशन में जाना है। और नोटिफिकेशन में जाने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन में जो क्या होता है, मैसेज जब भी कोई हमें बैठाता है मेरे मोबाइल में तो क्या होता है, सिर्फ रिंग छोटा सा रिंग टोन मोबाइल का जो होता है पहले से सेट होता है वो बस करा जाता है। लेकिन आप यहाँ से कोई भी गाना या कोई भी म्यूजिक जो है यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर म्यूजिक को मैंने गाया गाना, और यहाँ से जो लगा लूँगा अब इसको क्या करना है, ओके कर देना। इसी तरीके से जो है और ये भी सब सिस्टम है। और दूसरा फिर है ग्रुप नोटिफिकेशन, यहाँ पर भी आप वही चीज़ है, आप अपने मर्जी से गाना लगा सकते हो, आप देख सकते हो इसी तरीके से। और नीचे में भी है कॉल सेटिंग, कॉल सेटिंग में जा करके अपना यहाँ जो है अपना रिंग टोन जो है चेंज करके कोई भी गाना लगा सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो। इस पर ओके कर देना है। इस तरीके से क्या होगा, आपका मोबाइल का जब भी कोई फ़ोन करेगा तो यहाँ पर जो है गाना बजने लगेगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि किसी का मोबाइल में नहीं सिर्फ मेरा मोबाइल में फ़ोन आया, गाना से आप पता लगा सकते। नहीं तो क्या होता है, सारे मोबाइल में एक ही जैसा रिंगटोन होता है, बहुत सारा पड़े भाई तेरा फ़ोन आया तेरा फ़ोन, हम लोग जब ग्रुप में रहते तो ऐसा ही होता है। लेकिन इसे गाना सेट करने के बाद आपको पता चल जाएगा किसके मोबाइल में जो है फ़ोन आया, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और नीचे में भी आप देख सकते हो, यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी नहीं पड़ता है, इसको छोड़ते हैं। और नीचे प्राइवेसी में जाने, प्राइवेसी में जाने के बाद क्या होता है, लास्ट सीन। लास्ट सीन का मतलब है आप लोगों को क्या होता है कि मतलब कि जब हम ऑनलाइन में आते हैं ना तो क्या होता है, मतलब पता चल जाता है सबको कि हाँ ये कितना देर पहले ऑनलाइन था। इसके लिए आपको क्या करना होगा, किसी को पता नहीं चलने देना है तो यहाँ पर नोबडी पर क्लिक कर देना है। नोबडी पर क्लिक करने के क्या होगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं कब ऑनलाइन आया था और कब नहीं, और इसे सेट करके इसको बैक कर देना है। अवतार, अवतार का मतलब ही, अवतार मतलब है जब भी आप कोई फोटो अपने इमो पर नया लगाते हो तो उसे क्या होता है, नोबडी पर क्लिक करने के बाद किसी को फोटो नहीं दिखाई देता है, और माय कंटेक्ट करने के जो आपका कंटेक्ट में उसी को दिखाई देता है। और जब इस एवरी पर कर देना, ये तो एवरी पर ठीक रहेगा हमारे लिए और आप सबके लिए भी, क्योंकि सभी को फोटो दिखना चाहिए, तो इस पर आपको ठीक है बैक कर देना है इस पर सेव करके। और भी बहुत सारा है, मतलब कि कॉल में भी है वही सेटिंग है, एवरी यू माय कंटेक्ट कि कौन कौन यहाँ पर कॉल कर सकता है या नहीं, इसका ऑप्शन है, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं पड़ता है इसलिए नहीं बताया। और यहाँ पर रियल चैट यहाँ पर देख सकते हो, इसको ऑन ये सब छोड़ो। और यहाँ पर नीचे में आप देख सकते हो ब्लैक कॉन्टेक्ट, यहाँ पर जो है 2 आदमी को मैंने ब्लॉक करके रखा है, यहाँ पर देखिए आप देख सकते हो। और यहाँ पर क्या होगा, इसी तरीके से आप किसी को भी ब्लॉक कर, जिसको आपने कि ब्लॉक कर दिया है पहले इमो में, आप यहाँ से आकर के उसको अनलॉक कर सकते हो। यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हो कि मैंने किस किस को ब्लॉक करके रखा है, तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हो। चलिए बैक करते हैं और दूसरा ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो अलाउ एवरी टू सी माई लाइक, यहाँ पर आप चाहते हो कि कौन कौन मेरा मतलब कि ये जो पेज है इसको लाइक किया है इन्होंने, तो यहाँ पर आप कर दोगे तो सारे आदमी को दिखाई देगा, अब इसको ऑफ कर देगा तो किसी को भी नहीं दिखाई देगा। अब ये जो लाइक है कहाँ पर आता है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ये लाइक जो है यहाँ पर जो प्रोफाइल पर आप जाइएगा, हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो है सारा वो जो लाइक साइक होता है यहाँ पर। और यहाँ पर और भी ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए ये जो, हाँ, इसमें आपको किसने ये इसने मेरे को हाई बोल करके बैठाया मलेशिया से है, इसी तरीके से आप यहां से पता कर सकते हो। यहां पर देखिए म्यूजिक भी आप लगा सकते हो, यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है, यहां पर देखिए यहां पर अब देखिए इस फाइल में कोई जाएगा, आप यहाँ पर जो है म्यूजिक सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर जब भी कोई आपके प्रोफाइल में इधर में जाएगा तो उसको म्यूजिक सुनाई देने लगा। अब ये जो कलर है सारे मोबाइल में किस कलर का रहता है, व्हाइट कलर का, अब ये कलर कैसे चेंज करें आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जाना है, और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में जाना है, और बैकग्राउंड में जाने के बाद यहाँ पर सारे कलर मिल जाएगा आपको, कोई भी कलर अच्छा लगता है वो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि पहले ये वाला था, अब मैं ये कर ले रहा हूँ,
और यहाँ पर जो है सही का सीन लगा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। देखिए अभी मेरा कलर जो है चेंज हो चुका है, इसे क्या होता है देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया हो, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब।